मनोरमा जी एक शानदार व्यक्तित्व, एक संभावना युक्त व्यक्तित्व थी और आज वो हमारे बीच नहीं है। उनका हम लोग अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी यादें कांग्रेस के लोगों के मन में, ये जो कांग्रेस भवन है इससे हमेशा लिपटी रहेंगी। मैं सारे कांग्रेसजनों की ओर से, मैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है उनकी यादों को, उनके कामों को वर्णन करने के लिए। मनोबा के निधन से जिसे उत्तराखंड को बहुत अपूर्ण क्षति हुई है। मैं आपसे बहुत लंबा परिचय था और आपने हमेशा दलगत भावना से ऊपर उठकर काम किया। उनके निधन से उनके परिवार को वो उत्तराखंड की एक अपूर्ण क्षति हुई है जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। शब्दों में क्या कहें, मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड में नारी विमर्श का जो एक युग है, उन आंदोलनों का, उन संघर्षों का, मेरे ख्याल से आज मनोरमा शर्मा जी के साथ वो समाप्त हो गया। उस कमी को भरना बहुत ही कठिन काम होगा, क्योंकि संघर्षों से जो ताकतें पैदा होती हैं उसी तरीके संघर्ष दोबारा हो ऐसा संभव नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड स्थान को भरना बहुत ही कठिन काम है। तो सभी वरिष्ठ नेताओं ने मनोरमा शर्मा के निधन पर शोक जताया है। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर समिति का एक दल अप्रैल में केदारनाथ के लिए रवाना होगा। मंदिर के कपाट खुलने से पहले ये दल केदारनाथ पहुंचेगा ताकि सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। समिति के मुताबिक हर दिन 500 लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। केदारनाथ जी के कपाट 24 अप्रैल को खोलने की तिथि निर्धारित की गई है। मंदिर समिति द्वारा अभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो अग्रिम दल जाएगा तो वो जो परिसर, मंदिर परिसर की बर्फ है उसका कटान, और अगर कोई वहां पे बर्फ से कोई मंदिर की छत वगैरह क्षति हुई हो तो उसका मरम्मत वगैरह, इसका कार्य किया जाएगा। इसके अलावा विगत वर्षों की भांति मंदिर समिति वहां पे जो श्रद्धालु गण आएंगे उनके लिए कम से कम 500 लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शासन ने सभी जिलों में दवाई मुहैया कराने का दावा किया है, लेकिन ऋषिकेश में स्वाइन फ्लू को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। देखिए एक रिपोर्ट। देश भर में महामारी का दूसरा नाम बन चुका स्वाइन फ्लू अब पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में भी तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक यहां स्वाइन फ्लू के 12 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस वायरस से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऋषिकेश जहां तक है कि एक ये यात्रा और जो पर्यटन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, योग के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल है, तो यहाँ पे आवागमन भी ज्यादा रहेगा, तो इसको देखते हुए और दिल्ली या राजस्थान या गुजरात जैसे इलाकों से अगर यहाँ से मरीज आता है तो एक संभावना स्वाइन फ्लू की बढ़ जाएगी। इसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे पास ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाए जिससे कि हम यहीं इलाज करा सकें। देश विदेश के पर्यटकों के केंद्र ऋषिकेश में स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारी खोखली साबित हो रही है। न तो अस्पताल में डॉक्टर हैं और न ही दुकानों में स्वाइन फ्लू की दवा मौजूद है। वहीं ब्लड बैंक में भी ताले लटके हुए हैं। मरीज सरकारी अस्पतालों की बदहाली से परेशान हैं और सरकार की बेरुखी से नाराज भी हैं। हमारी सरकार लाख दावे कर रही है, अब तो यहाँ पे संख्या मरने तक की नौबत आ गई है। ना तो यहाँ पे कोई टिकट किट है, ना कोई टेस्ट है, ना कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर सरकार मनोनीत कर रखा है, और ये तीर्थ नगरी है। प्रति वर्ष और इस सीएम में खास तौर से लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इस नाम के लिए कोई भी सिंगल व्यवस्था नहीं कर रखी है जिससे कि उनको कोई स्वाइन फ्लू की टेस्ट हो सके, कोई जांच हो सके या कोई उपचार हो सके। स्वास्थ्य विभाग ने भले ही कितने दौरे किए वो स्वास्थ्य मंत्री ने, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ भी सुविधाएं स्वाइन फ्लू के उपलक्ष्य में कुछ भी नहीं है। यहाँ टेस्ट तक की सुविधा नहीं है, अलग से वार्ड नहीं बनाए गए हैं स्वाइन फ्लू के लिए, जिससे कि वो मरीजों के साथ ही रह रहे हैं, सबको मतलब बहुत समस्या आ रही है। ये एक पर्यटक स्थल है जिस हिसाब से यहाँ ये सुविधाएं सब मुहैया कराई जानी चाहिए। प्रदेश में चार धाम यात्रा सर पर है।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भारी पड़ सकती है। ऐसे में तीर्थ नगरी में स्वाइन फ्लू से निपटने के इंतजाम पर सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बड़ी खबर देवप्रयाग से है, जहां एक मरीज में स्वाइन फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई है। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने देवप्रयाग में अपनी एक टीम भेजी है। तो देवप्रयाग तक पहुंचा है स्वाइन फ्लू का दायरा। एक मरीज में स्वाइन फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए निपटने के लिए और मरीज के इलाज के लिए एक टीम को वहां पर भेजा है। तो देवप्रयाग तक अब स्वाइन फ्लू पहुंच गया है। इसका वायरस एक मरीज में पाया गया है, जिसकी पुष्टि भी हो गई है और स्वास्थ्य विभाग ने टीम को भेजा है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग कोशिश में जुटा हुआ है। देवप्रयाग में टीम को भेजा गया है, स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम भेजी है, क्योंकि देवप्रयाग में एक मरीज में स्वाइन फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई है। और बात करेंगे हमारे जी मीडिया संवाददाता कपिल पवार जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या जानकारी है पूरी? जी दीपाली, ये मामला देवप्रयाग का है। देवप्रयाग की महिला है जिसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि है और महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जोलीग्रांट अस्पताल ऋषिकेश ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने ये पुख्ता जानकारी टिहरी जिला प्रशासन को दी और स्वास्थ्य विभाग को दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर एक टीम भेजी है, जो अन्य लोगों में भी अब इस तरह की लक्षणों को ढूंढ दें कि अगर कोई इस तरह का मामला फिर सामने आता तो सही समय रहते हुए इलाज करवाया जा सके। जी, तो क्या यहां पर कपिल और पहले से क्या कोई इंतजाम नहीं किए गए? जी, अब तक का जो इंतजाम है वो अब तक नाकाफी है। सिर्फ वार्ड तो बनाया गया है जो छोटे अस्पताल जी, लेकिन अब तक कोई भी दवाई अस्पतालों में मौजूद नहीं है ये स्वाइन फ्लू से बचा जा सके। और अभी तक स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं कहीं भी सफल कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। जी शुक्रिया कपिल, ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। वहीं प्रदेश की राजधानी देहरादून में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग खुद को तैयार बता रहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ओम प्रकाश के मुताबिक इस वायरस से निपटने के लिए सूबे में सभी दवाइयां मंगवा ली गई हैं। दवाओं की उपलब्धता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड स्टेज में वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, तो उसमें यह निर्णय है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में जो लोग आएंगे, जिनको थर्ड स्टेज ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारे यहां वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल उनको भेजेंगे और उसका जो खर्च होगा उसका वहन राज्य सरकार करेगी। वैसे ये स्थिति अत्यंत अपवाद स्वरूप होगी, क्योंकि हमारे यहां अभी जो एक पेशेंट था वो भी रिलीज हो गया। आज के दिन दोनों हॉस्पिटल में जीरो पेशेंट है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में खसरे का कहर जारी है। करीब 28 बच्चों में खसरे के लक्षण पाए गए हैं। ग्रामीणों की माने तो इस बाबत स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है, उन्हें इलाज के लिए गांव से दूर अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक औसला में 21, गणगांव में एक और पवाड़ी में 6 बच्चों में खसरे के लक्षण पाए गए हैं। उधर जिला अस्पताल के सीएमओ के मुताबिक जल्द ही डॉक्टर्स की एक टीम गांव में भेजी जाएगी। मैंने एक टीम रवाना कर दी थी, वो लोग करीब 21 बच्चे प्लस एक जगह 4-5 बच्चे जिन पर की खसरे का शक है, बाकी कुल मिलाकर करीब उन्होंने 60 बच्चे देखे हैं जिनमें जुकाम बुखार और भी छोटे मोटे रोग भी थे। एक टीम मैंने आज रवाना कर दी है जो कि एक बार फिर से सब बच्चों को देखेगी, उनके ब्लड सैंपल्स जिनकी जरूरत होगी ब्लड सैंपल लेगी, ताकि इसे कन्फर्म हो सके कि वहां खसरे ही था या कोई और बीमारी थी। हरिद्वार से खबर है, जहां पर अवैध खनन के मामले में मातृ सदन के संत आत्मबोधानंद ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक खनन के मामले में उन्होंने शासन को एक पत्र लिखा था जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी मांग है कि जांच कमेटी गठित की जाए, साथ ही अवैध खनन से हुई क्षति का आकलन कर रिकवरी की जाए। वहीं मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती विरोध जारी रहेगा। 45 बार ये अनशन हो चुका या हो रहा है, लेकिन सरकार संविधान शून्य है
और खास करके हरीश रावत जी को मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया वो संत को उपदेश न दें, अपने मर्यादा का पालन करें और साथ ही साथ जिस वैज्ञानिक खनन की बात कहते हैं वो वैज्ञानिकों को अपने पॉकेट में लेकर न चलें, और उनके वैज्ञानिक खनन का पोल दो दिन उनके बयान के दो दिन बाद ही खुल गया तो पूरा उत्तराखंड में कीर्तन का वैज्ञानिक खनन होता है। नैनीताल की झील का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहां का रुख करते हैं। कई साल पहले सैलानियों के लिए यहां बैंड स्टैंड बनाई गई थी ताकि सैलानी मनोरंजन के साथ पूरे झील का दीदार कर सके, लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते आज बैंड स्टैंड का अस्तित्व खतरे में है। आलम यह है कि जगह जगह सीढ़ियां टूटी हुई हैं, दीवारों पर पौधे उगाए हैं। वहीं नगर पालिका की माने तो बजट के कारण इसके रखरखाव में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उधर पर्यावरणविद का कहना है कि लापरवाही के चलते ये धरोहर अपनी सुंदरता खोता जा रहा है। कहते हैं कि कई साल पहले बैंड स्टैंड पर सैलानियों के मनोरंजन के लिए बैंड की धुन बजा करती थी और सैलानी मधुर धुन के साथ झील का दीदार करते थे।